पहले केशव प्रसाद मौर्य को उनके इलाके में हराया। अब पीएम मोदी को हराने की है तैयारी। अखिलेश ने सेट किया सबसे बड़ा प्लान। मोदी के खिलाफ पल्लवी पटेल लड़ेंगी चुनाव। उधर कांग्रेस बीजेपी देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में मशरूफ है। और इधर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना सबसे बड़ा प्लान सेट कर दिया। अखिलेश ने लोकसभा चुनाव के लिए वो चाल चल दी है जिसकी उम्मीद खुद इंडिया गठबंधन और बीजेपी को भी नहीं थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए अपना दल कैमरावादी की पल्लवी पटेल को चुना है। खबर है कि पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। इसे लेकर पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच बातचीत भी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश ने पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ने की सहमति भी दे दी। पल्लवी पटेल विपक्ष के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकती है। खबरें आ रही हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद पल्लवी पटेल ने चुनाव लड़ने की तैयारियां तेज कर दी हैं। कहा जा रहा है कि गठबंधन में शामिल अन्य पार्टियों से बातचीत के बाद ऐलान भी कर दिया जाएगा। एक दिन पहले अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कृष्ण पटेल और पल्लवी पटेल के साथ एक फोटो शेयर की थी। फोटो कैप्शन में उन्होंने लिखा था, आज की खास मुलाकात। पर ये मुलाकात इतनी खास थी कि इसका अंदाजा किसी को नहीं था। बता दें कि पल्लवी पटेल की गिनती यूपी के राजनीति में बड़े और तेज तर्रार नेताओं में होती है। पल्लवी पटेल ने 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में सिरातू सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था, जिसके बाद उनकी चर्चा हर तरफ रही है। विधानसभा में भी पल्लवी पटेल ने सरकार के कामकाजों को लेकर कई दफा तीखे सवाल किए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।